हाँ जी बेटा, मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है फ्रॉम चैप्टर 16th वी आर डूइंग एंड वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 9th यस्टरडे। ओके, तो मिसलिनियस एक्सरसाइज फ्रॉम जो है चैप्टर 16th प्रोबेबिलिटी 9th क्वेश्चन वी हैव टू स्टार्ट टुडे। ओके बेटा, लेट अस सी। मेरे पास जो है What is written in this question? If four digits number greater than 5000, मुझे जो है 5000 से बड़ा नंबर जो है आर रेंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5 एंड 7 जो है मेरे पास जो है मुझे 5000 से बड़ा नंबर जो है आई हैव टू फॉर्म बट बाय यूजिंग द नंबर्स 0, 1, 3, 0, 1, 3, 5 एंड 7 इनसे जो है हमने बनाना है। ठीक है, और मुझे क्या बोला गया यहाँ पर? सबसे पहले व्हाट इज रिटन हियर जो है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5। मुझे नंबर्स वो लेने हैं डिविजिबल बाय 5, यानी ये मेरा फेवरेबल है। और उसने क्या कहा है, व्हेन द डिजिट्स आर रिपीटेड, डिजिट्स हम रिपीट कर सकते हैं, हमारा ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो हम टोटल नंबर देखें ना, डिविजिबल बाय 5 मेरा फेवरेबल है। सबसे पहले हम देखें कि टोटल मेरे पास कितने नंबर है ना। देखिए 5000 अगर है ये, तो कितना 1, 2, 3, 4 डिजिट नंबर है, तो मैंने 1, 2, 3 और ये 4, मैंने 4 डिजिट यहाँ नंबर बनाया। अब देखिए मैं डिजिट्स को रिपीट कर सकती हूँ, लेकिन पहली कंडीशन है मेरी कि नंबर 5000 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंथ प्लेस पे मेरे पास दो ही नंबर आ सकते हैं, 5 या 7 आ सकते हैं कि नहीं। तो पहली प्लेस को मैं 5 या 7 के साथ फिल कर सकती हूँ, दैट मीन्स टू वेज आर देयर विद मी। यहां तक सबको बात पता चल गई? क्योंकि मैं 1 से शुरू नहीं कर सकती, मैं 3 से शुरू नहीं कर सकती, मैं 0 से शुरू नहीं कर सकती। ठीक है ना, पहला स्टेप हो गया। कम टू नेक्स्ट, अब मैं 100th प्लेस पे मैं कोई भी नंबर फिल कर सकती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 के 5 है ना, यानी आई कैन फिल 100th प्लेस विद 0, 1, 3, 5, 7, दैट मीन्स टोटल मेरे पास 5 वेज आ गए, क्योंकि मैं डिजिट्स रिपीट कर सकती हूँ। एम आई राइट? अब मुझे कोई बताए मैं 10th प्लेस पे मैं कौन कौन सा नंबर फिल कर सकती हूँ? जल्दी जल्दी रेज योर हैंड, जल्दी बेटा, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट। यस समृद्धि, यस समृद्धि बेटा, यस फाइव वेज, बिल्कुल करेक्ट बेटा, कि आप इसको भी 5 वेज से फिल कर सकते हो, क्योंकि 0, 1, 3, 5, 7 कोई भी नंबर आ सकता है। ओके, कम टू वंस प्लेस, यहां पर भी आप इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, दिस कैन ऑल्सो फिल इन 5 वेज। तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मेरे पास जो वेज है ना, अभी तक अभी जो कंडीशन बनी वो 2 × 5 × 5 × 5, ये वेज तो बन गए, बट एक प्रॉब्लम आ गई मेरी, एक कंडीशन मेरी क्लियर नहीं हुई यहां। क्या इसमें ऐसा नंबर भी आ गया जहां पर यहां पर 5 आ गया और यहां पर 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, वो नंबर क्या बन गया? 5000 बन गया। हमने वो नहीं लेना था, क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5000। तो मैं क्या 5000 ले सकती हूँ? नहीं ले सकती, मेरे पास जो है नंबर 5000 से बड़ा होना चाहिए, तो आई कांट टेक 5000। सो वो एक नंबर मेरे पास एक्स्ट्रा इसमें काउंट हो गया, तो उसको मैंने क्या करना है, माइनस करना है। ओके, तो
तो दैट मीन्स मेरे पास कितने हो गए, ये हो गया 125, 125 into 2, 250, 250 minus 1, 249. Okay, बेटा, यहां तक सबको बात समझ आई कि टोटल नंबर ऑफ वेज मैंने कैसे निकाला? ये तब निकाले when the digits are repeated. मैं digits को repeat कर सकती हूँ. Okay, अब next, let us do the next step. Favorable भी तो निकालने, है ना? फेवरेबल में उसने मुझे क्या कहा कि फेवरेबल निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू देम पास टू मे द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5. अब देखिए, फॉर फेवरेबल जो है, फेवरेबल केसेस मेरे पास क्या है, तो 4 डिजिट नंबर ही लेना मैंने, है ना? तो अब बेटा, क्योंकि 4 डिजिट नंबर उसने कंडीशन दी थी, तो मैंने 4 डिजिट नंबर लिखा. अब उन्होंने यहां पर मेरे पास क्या कहा कि मेरे पास नंबर 5 जो है 5 से डिविजिबल होना चाहिए. 5 से डिविजिबिलिटी लेके आने के लिए यहां पर 2 वेज ही है मेरे पास. कौन कौन से? या 0 आ जाए या 5. अब नीचे लिख दो, कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती है मेरे पास. ठीक है बेटा जी, पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई कि वो डिविजिबल बाय 5 है, तो लास्ट वेज किससे होंगे? 2 से. ठीक है, अब यहाँ पर भी पता है या 5 या 7 ही आ सकता है, 2 वेज हो गए. अब इसको तो मैं 5 वेज से, क्योंकि यहाँ 5 और 7 ही आ सकते हैं, यहाँ कोई भी नंबर, यहाँ कोई भी. ठीक है, अब क्या इसमें तो नहीं 5000 आ रहा? चेक कर ले, अगर यहाँ 5 हो जाए, इधर 0 हो जाए, 0 हो जाए, इधर भी 0 है, आ रहा है ना? तो दैट मींस यहाँ पर भी 5000 इंक्लूड हुआ रहा मेरे में. वो फेवरेबल केस, वो तो मैं ले ही नहीं सकती, मेरे एक्सेप्टेबल ही नहीं, तो वो भी -1 होगा. तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास बेटा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, जो है 2 × 5 × 5 × 2 − 1, 25 × 400, 100 − 1, 99. अब मैंने टोटल वेज भी निकाल लिए, मैंने फेवरेबल केसेस भी निकाल लिए, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई बेटा, 99 / 249. बात समझ आई? क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई डाउट है बेटा? एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क. चले आगे, गुड. चलिए, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट. अगर हम नेक्स्ट करें कि जिसमें रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, अगर मैं डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकती, ठीक है ना, तब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा. लेट अस सी कि अगर मैं डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकती, पहले हमेशा टोटल केसेस निकाला करो, फिर आप वो निकालना करो. ओके, अब मेरे पास है when the digits are not repeated, second part है, पर लेना तो number 5000 से बड़ा है ना, digits मैं repeat नहीं कर सकती. और मेरे पास होंगे, जब मैं digits repeat नहीं कर सकती, तो एक 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 अपने आप क्या होता जाता है, वो कम होता जाता है ना. अब इस केस में जब मैंने लेना है कि मेरे पास होंगे टोटल नंबर्स कितने हैं, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले देखिए 4 डिजिट नंबर है मेरे पास, यहां पर या 5 आ सकता है या 7 आ सकता है, यानी 2 वेज. अब आएगा तो एट ए टाइम कोई एक ही ना, ओनली वन इज यूज. मेरे पास 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां कितना हो सकता है? ऑब्वियस है 4 वेज. ओके, अगले में अब 2 को ही यूज हो गए, कितने रह गए? 3 वेज. 3 यूज हो गए, 5 में से 3 चल गए, कितने रह गए? 2 वेज से मैं इनको फिल कर सकती हूँ. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो है मेरे पास वेज जो है वो कितने हो गए? 2 × 4 × 3 × 2, 12 × 4 = 48. चेक करो, आपको ये बात समझ आ गई यहाँ तक? कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो. 100%. हाँ जी, हर्षवर्धन, जपन ज्योत, गुरसीरात, क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड.
ओके दैट्स गुड यशिका। चलिए अब नेक्स्ट हमारा काम है फेवरेबल। अब यहाँ थोड़ा फेवरेबल में हमें सोचना पड़ता है, कैसे? जब मैंने फेवरेबल निकालना है मतलब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, बट मेरे को नंबर भी डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, है ना? अब डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, तो मेरे पास है कि यहां पर जो है मैं फेवरेबल का यहां बनाती हूँ, आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं तो। लेट अस ड्रॉ द फेवरेबल, ये लीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकती, इसका मतलब अगर 5 यहां आ गया तो यहां नहीं आ सकता ना, तो मुझे दो केसेस अलग अलग डिस्कस करने ही पड़ेंगे। मैंने 5 फिक्स कर दिया, अगली बार मैंने 7 फिक्स कर दिया, ठीक है, ओके। और मेरी कंडीशन कहां है? अब यहां पर अगर वो डिविजिबल बाय 5 है तो यहां 100% 0 ही आएगा, क्योंकि 5 यूज हो चुका है, मैं रेपिटेशन अलाउड नहीं कर सकती हूं। सेकंड पार्ट में 2 फिक्स हो गए, अब कितने रह गए? 5 थे, 5 में से 2 चले गए, 3, यानी ये 1 वे, ये 1 वे, ये 3 वेज, ये 2 वेज, तो कितने हो गए? 6 वेज हो गए। फर्स्ट केस ये था, या सेकंड केस जिसमें नंबर स्टार्ट विद 7, यहां 7 है, ये 1 वे है, ओके, यहां पर 2 वेज, क्यों? क्योंकि 0 भी आ सकता है। 5 यूज एट ए टाइम को एक ही होना है, यानी एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, 2 चले गए, बाकी कितने रह गए? 3 यहां पर वेज और यहां पर कितने? 2 वेज। आपने ये चीज परमोटेशन कॉम्बिनेशन में, हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में सब कुछ समझाई हुई है आपको, कैसे एक 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 कम होता जाता है ना। अब कितने वेज? ये 6 वेज हो गए, ये 1 × 3 × 2 × 2 कितने हो गए यहां पर? 12 वेज। तो टोटल वेज फेवरेबल कितने हो गए? 18 वेज बेटा, ओके। तो दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो गया? 18/48। एनी डाउट टू +1C एंड +1A प्लीज आस्क मी बेटा। सबको बात समझ आ गई? समझ आ गई तो पेपर में पूरे पूरे नंबर आने चाहिए ना मेरी क्लास के, है ना? आते नहीं है हमारे। +1C क्लियर बेटा? समृद्धि क्लियर? कशिश अरोड़ा, गुरसीरत सिंह फ्रॉम +1C, ठीक है बेटा जी, क्लियर? चलो चलिए, तो ये मेरा क्वेश्चन था जिसमें 2 पार्ट से डिजिट्स आर रिपीटेड और डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10th। लेट अस डू विद क्वेश्चन नंबर बेटा 10th, ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट इज रिटन हियर? द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस, ठीक है, हैज अ 4 व्हील्स ईच लेबल्ड विद द 10 डिजिट्स। हमारे पास ना सूटकेस के रोल्स लगे होते हैं, आगे रोलर से छोटे से लगे होते हैं, उसको आप आगे पीछे करो तो लॉक हमारा खुल जाता है। और तो उसने कहा है कि उसके ना 10 डिजिट्स है और वो नंबर जो है वो 0 to 9 से हमारा लॉक खुलता है। 0 to 9 मतलब एक सीक्वेंस होगा, माई बी मेरे सूटकेस में नंबर हो 1 2 3 0 4 5 6 7 8 9 लाइक दिस। आपका कोई और नंबर सूटकेस का होगा, लॉक सिस्टम होता है, हमें सेट करना पड़ता है, ठीक है नहीं? तो हमारे पास जो है उसने नंबर्स दे दिए कि 0 to 9 से हमारे सूटकेस का लॉक ओपन होना है। तो उसने कहा द लॉक ओपन विद द सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विद नो रिपीट्स। 0 से 9 के बीच में जो मेरा सूटकेस का लॉक है ना वो सिर्फ 4 डिजिट से ओपन हो रहा है, यानी 1 2 3 4। चलो जी, यहां पर उन्होंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस। एक पर्सन की क्या प्रोबेबिलिटी है
कि वो अपना सूटकेस जो है या वो पर्सन जो है उसको राइट सीक्वेंस पता। अब आप खुद बताइए फेवरेबल कितना होगा, टोटल कितना होगा, जस्ट रेज योर हैंड टू टेल मी दिस आंसर। अगर सबसे पहले तो मुझे फेवरेबल पता होना चाहिए, कितने वेज है फेवरेबल के, किस इवेंट के, नंबर ऑफ वेज फॉर द फेवरेबल। जल्दी 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 बताइए। अच्छा आपके लॉक कहाँ, चलो कोई और लॉक की बात करें, मतलब बहुत सारे लॉकर्स होते हैं, उनका ओपन होने के कितने सीक्वेंस होते हैं बताइए। यस मन्नत, मन्नत यस मैम, कितने सीक्वेंस होंगे मोबाइल का लॉक खोल, यस मैम, है ना, मोबाइल का एक पैटर्न आपने फिक्स किया होता है अपने, कितने सीक्वेंस, कितने वेज हैं कि आप अपने मोबाइल का उस सीक्वेंस पैटर्न से खोल सकते। इनफाइनाइट वेज होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे होते हैं आपका मोबाइल ओपन करने का, आप जो पैटर्न, मान लो एक पैटर्न या कोई लॉक सिस्टम लगाया वो तो एक ही होता है ना बेटा। अर्शदीप बिल्कुल सही बोल रहा है कि वन होता है, अगर आपने एल लगाया है तो आप एल से ही खोलोगे पैटर्न। अगर मैम आप मुझे लगा कि मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट सेट कर सकते हैं ना, सब में वेरी करता है। तो फेवरेबल तो एक ही है ना, जो आपने सेट किया बाबू, जो आपने सेट यस मैम, वो किया तो एक है ना, वो तो एक ही है ना, होता है कि नहीं होता मन्नत, है। है ना। तो दैट यस मीन नंबर ऑफ फेवरेबल तो मेरे पास सिर्फ वन होगी। अगर एक बार सेट कर लिया, मैंने फेवरेबल पूछा, फेवरेबल मतलब जो तुमने सेट कर दिया, जो आपने सेट कर दिया वो एक ही है मेरे पास, हो गया। अब हम देखते हैं मेरे पास जो है नंबर या टोटल नंबर ऑफ जो है केसेस कितने बन सकते हैं, कैसे कैसे कर सकती हूँ। मान लीजिए मेरे सूटकेस का नंबर एक ही पैटर्न, मतलब एक 4 डिजिट नंबर से खुलता है, 1 2 3 4, आप कोई और लगाओगे तो नहीं खुलेगा। ओके कोई और लगाओगे तो नहीं खुलेगा, फेवरेबल तो एक ही है ना, मैंने बता दी क्योंकि 4 डिजिट्स में। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल नंबर ऑफ वेज कितने कितने बन सकते हैं, अब आप खुद सोचिए। 0 से 9 तक मैंने एट ए टाइम 10 नंबर है, 10 में से मैंने कोई 4 सिलेक्शन करनी है, अब मुझे बताओ कैसे करूं। हु विल टेल मी हाउ टू। हाँ जी चलो मैम मन्नत, इसमें दो हो सकते हैं, या रेपिटेशन हो सकती है। अगर रेपिटेशन अलाउड होगी तो मतलब 4 × 4 × 4, सॉरी 10 × 10 × 10 × 10 मतलब ऐसे नहीं बनेगा। मन्नत एक बात बता दूं, जब तक लिखा ना हो कि रेपिटेशन अलाउड है तो हम मान के चलते हैं रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, बिकॉज दे नॉट स्पेसिफाइड यहाँ पर कि आपके पास जो है, और उसने लिखा है विद नो रिपीट्स, दे मेंशन इट कि हम रिपीट नहीं कर सकते, क्वेश्चन में लिखा है तो हम रेपिटेशन तो ले ही नहीं सकते, है ना। फिर आएगा हाँ बोलिए, 10 × 10 वेज, फिर 9 वेज, 8 वेज एंड 7 वेज। बिल्कुल करेक्ट है। 10 × 9 × 8 × 7 जो है आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा आप डायरेक्ट 10P4, 10P4 वो भी ले सकते हो, है ना, कि क्योंकि परमोटेशन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट मैटर है। मैंने 1 2 3 4 मेरा सीक्वेंस है, अगर कोई बच्चा 2 1 3 4 से खोलेगा तो वो नहीं खुलेगा मेरा सूटकेस, ये डिफरेंट है ना, जब ये डिफरेंट है तो वो यूज परमोटेशन। अब क्योंकि 10 नंबर थे, मैंने एट ए टाइम 4 सेलेक्ट करने हैं, तो ऑब्वियस है तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी इवेंट की क्या हो जाएगी, 1/10P4। क्लियर, आप ऐसे भी कर सकते हो जो बोला इसने मन्नत ने कि 1/ पहले के 10 के वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगला वे जो है मेरे पास 9, फिर मेरे पास जो है 8, फिर 7। बिल्कुल करेक्ट, हाँ जी यस समृद्धि, यस बेटा
मैम जो जीरो फर्स्ट प्लेस पे अगर आ रहा है तो वो तो 3 डिजिट नंबर हो गया, तो ना ना वो ना, यहाँ डिजिट नंबर नहीं है, यही बात मैं आपको समझाती हूँ। ये एक सीक्वेंस है, आपका कोई कोड है, कोड नंबर 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, वो कोई 3 डिजिट नंबर काउंट नहीं होता। बहुत मैम, बार मतलब हाँ जी हाँ जी बोलिए। पासवर्ड अगर वर्ड आए तो हमने 0 जो हम जैसे सेट करते हैं 0 1 2 3 ऐसे कर यस सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई पासवर्ड है, कोड है, कोई अगर कहते हैं ना 4 डिजिट नंबर बनाइए, तब हम 0 को फर्स्ट प्लेस में नहीं ले सकते, अदरवाइज वी कैन टेक इट इन एवरी प्लेस। ओके यस मैम। ठीक है। यस काव्या, एनी अदर थिंग? यस काव्या, रोल नंबर 25 आई थिंक काव्या ने किया था। यस मैम। मैम इसको 10C4 लेके बाद में नंबर बाद में 4 फैक्टोरियल के साथ भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, अरे बेटा हमने किया तो हुआ है, सॉरी NPR जो है वो 10CR इनटू मेरे पास जो है R फैक्टोरियल, ये सेम ही तो फॉर्मूला होता है कि आप पहले उनको सिलेक्शन कर लो फिर उनको अरेंज करो, इट इज अप टू यू। मैंने सीधे ही उनको, क्योंकि मुझे पता है अरेंजमेंट मैटर्स है लॉट यहाँ पर, तो 100% मैंने आगे भी बताया था ना, जब अरेंजमेंट मैटर करता है, ए इज फॉर्मड फ्रॉम पी तो परमोटेशन लगाओ, ग्रुप जी, जी कहाँ से बनता है, सी से बनता है ना, तो कॉम्बिनेशन लगाओ, ग्रुप की बात है तो सीधा कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट की बात है तो सीधा परमोटेशन लगा के काम खत्म करो बेटा। ओके जी ठीक है, चलिए लेट अस डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, देखते हैं कि आप लोग कितना का पार्टिसिपेट करते हो। लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, हम इजी इजी पहले करेंगे, फिर एग्जाम्पलर से भी करेंगे क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सेटिंग हो जाए कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन अ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी जो है मेरे पास दैट इन अ रेंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, दैट इन अ रेंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड जो है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी द टू आईज कम टूगेदर, द टू आईज कम टूगेदर। मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में ये गलती करते हैं, वो ये नहीं देखते ये परमोटेशन कॉम्बिनेशन का है कि प्रोबेबिलिटी का है, यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात की गई है तो दैट मीन फेवरेबल ओवर टोटल केसेस आएंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल केसेस निकाला करो सबसे पहले। चलिए मुझे बताइए टोटल केसेस कैसे निकालें, जल्दी जल्दी, जस्ट रेज योर हैंड, ट्राई टू पार्टिसिपेट, क्या हो जाएगा, मैं बार बार बोलती हूँ गलती हो जाएगा ना, होने दो। चलो गुरसीरत इट्स योर टर्न बेटा, +1C गुरसीरत, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, जल्दी जल्दी। चलो +1A वाले गुरसीरत ने करना है वो कर दे जी, चलो जी +1A गुरसीरत यस मैम। बताइए बेटा आप क्या सोचते हो यहाँ इस क्वेश्चन में। मैंने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जब हम इनको अरेंज करें लेटर्स को तो टू आई कम्स टूगेदर, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो लेट अस थिंक कि क्या सोचते हो आप। मैम 2 आई को इकट्ठा करके बाकी सारे वर्ड्स अलग कर लेते हैं, उस ओके बिल्कुल 2 आईज को एज अ वन ट्रीट कर लेंगे, उससे फिर करेक्ट, टोटल आउटकम्स आ जाएंगे वो टोटल नहीं आएंगे वो फेवरेबल आएंगे बेटा, फेवरेबल। है ना, वो तो फिर मैंने अभी टोटल केसेस पूछा आपसे, हाउ टू कैलकुलेट टोटल केसेस, टोटल केसेस में दो दो की पेयरिंग बनानी है ना, और तो कुछ भी नहीं करना यस मैम। है ना। कितने लेटर्स मेरे पास हैं यहाँ पर, 10 10 है, 10 के 10 को अरेंज करना है हमने, है ना, यस मैम। टेन को अरेंज करना है, और कोई रेपिटेशन है, नो मैम रेपिटेशन, आई की है पर
वो तो है नहीं। ना, दो आई की है तो हम क्या करें, तो टोटल केसेस क्या हो गए, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। हम ऐसे ही करते थे ना, क्योंकि 10 के 10 को अरेंज करना है, कोई दो 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 की पेयरिंग नहीं ना हम कर रहे, वो सिर्फ दो आईज को कंबाइन करना है, बाकी तो जैसे मर्जी अरेंज तो सबको करना है ना। तो मेरे पास 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल ये टोटल केसेस फेवरेबल। मेरे को गुरसीरत ने बिल्कुल सही बताया, मैम दो आई को एक पोटली में बांध लीजिए, टाइट इन वन बैग, तो कितने रह गए, 9 9 9 को अरेंज करना है। ठीक है, दो आई सेम थे और जो दो आई को अरेंज किया ये तो कट ही जाने रहे, तो 9 फैक्टोरियल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गई 9 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व आप कर सकते हो, क्या करें, यहां से 9 कॉमन ले ले और 10 फैक्टोरियल में से 10 बाहर आया तो अंदर मेरे पास क्या आया, 10 9 फैक्टोरियल कैंसिल, और मेरे पास जो गया आंसर इज 1/5। चेक कर लो। ओके जी बेटा, +1 C स्टूडेंट्स, आप भी अक्टिव लीजिए, आपने ये चैप्टर हमारे से पहले किया हुआ है काफी, है ना, तो पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज। सबको समझ आ गया? यशिका बेटा क्लियर, गुरजोत, हर्षवर्धन, ओके गुड। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, अब आप करोगे। चलिए, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, नोट डाउन द क्वेश्चन, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट द टाइम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 4 कार्ड्स निकाले हमने, ओके, यहां तक सबने नोट कर लिए। नाउ व्हाट इज रिटन नेक्स्ट, जो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द फेस कार्ड्स ऑफ द सेम सूट्स। चलिए बताइए कौन डिस्कस करेगा, जल्दी जल्दी। हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये किया हुआ है क्वेश्चन, बट यहाँ प्रोबेबिलिटी है, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। चलिए, हाँ जी, कोई स्टूडेंट जो एक्टिव होना चाहता हो, जो मुझे आंसर बताना चाहता हो, अदिति, बस समृद्धि, बाकी बच्चे, ध्रुव अग्रवाल, गुरजोत, अब जिनका नेम ले रही हूं उनमें से कोई आंसर देगा तो मैं पूछूंगी, नहीं तो मैं नहीं पूछूंगी, वो ही पुराने बच्चों से मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी। जल्दी बताइए, हाँ जी जल्दी जल्दी, अदिति, रेज हैंड दोज हु वांट टू आंसर दिस, एक्सेप्ट समृद्धि, रिद्धि, वही बार बार बच्चे जो आ रहे हैं, है ना, प्रगति, जल्दी जल्दी बेटा, उदयवीर, ध्रुव अग्रवाल, यहां से पता चलता है आप एक्टिव ही नहीं हो, मैम नेम ले रहे हैं बस, ठीक है। अच्छे बच्चे बनो, हर्षवर्धन, चलो गुरजोत बताना चाहता है, वेरी गुड, चलिए गुरजोत। मैम 4 × 13 C4 upon 52 C4। कैसे पता चला ये आंसर आया? हाउ यू थिंक? मैम पहले तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए 52 C4, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि और हाँ जी चार फोर कार्ड्स हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड्स, हार्ट्स, तो उसका अगर ए ए बी सी डी उसको कंसिडर कर ले तो पी ए आ जाएगा 13 C4 upon 52 C4, ऐसे ही चारों के चारों कार्ड्स का हो जाएगा, स्पेड, क्लब, डायमंड्स और हार्ट्स का, और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए सबको मर्ज कर देंगे। ठीक है गुरजोत, आंसर आपने करेक्ट बताया, बट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, हम ट्रैक पे नहीं थे। आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर मैं एक की, अब इसमें 4 इवेंट्स हैं, ध्यान से देखो, मैं अगर बींग अ टीचर एक्सप्लेन करूं तो मैं कैसे कर रही हूँ, मेरे पास 4 तरह के सूट्स हैं, ओके, क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट के, ओके,
चारों के चारों कार्ड्स सेम सूट से होने चाहिए, मतलब वो या तो डायमंड का या मतलब और या वो हार्ट का या वो स्पेड का और या वो क्लब का। जब भी या आता है तो मैं बार बार बोलती हूँ प्रोबेबिलिटी सबकी प्लस होती है, am I right? तो मेरी प्रोबेबिलिटी मुझे पता चल गया कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी, अगर ये ए इवेंट, ये बी, ये सी, ये डी, तो मुझे पता चल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ठीक है, अब हर एक के सूट की प्रोबेबिलिटी लेके आने की मुझे पता है वो क्या है, 13C4। मैंने कॉम्बिनेशन क्यों लगाया डजंट मैटर, मैंने कोई चार पत्ते मतलब कार्ड्स निकालने हैं, कोई भी सीक्वेंस में आ जाए, सीक्वेंस डजंट मैटर हियर, आई हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ कार्ड्स, तो दैट मींस आई एम यूजिंग हियर कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर 100% जब मैंने कॉम्बिनेशन लगाया तो मेरे पास जो है 13C4/52C4, सबके सेम 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 प्रोबेबिलिटी, वो चार बार आएगा तो आई कैन राइट फोर टाइम्स, आगे तो सॉल्व करना है, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। समझ आ गई बात बेटा? ओके जी, यस समृद्धि, यस समृद्धि बेटा। मैम क्वेश्चन में मैं फेस कार्ड्स बोला क्या? नहीं नहीं बेटा, फोर कार्ड्स जो है वो फ्रॉम द सेम सूट, फोर कार्ड्स फ्रॉम द सेम सूट क्यों नहीं बोला? फेस कार्ड से मैं थ्री क्वेश्चन सॉल्व करी सर। कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर सबको? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब हम फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट विद द कॉन्टिन्यूटी, ओके, द टॉपिक ऑफ प्लस टू, बी रेडी, ट्राई टू बी प्रेजेंट सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए एग्जाम्स में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।